जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है। अगर मन में सच्ची लगन व आगे बढ़ने की चाह हो तो सुविधाओं के अभाव को दरकिनार कर कर भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आज हम ऐसे ही चरखी दादरी के होनहार बेटे दीपेंद्र डबास का जिक्र कर रहे हैं, जिसने सुविधाओं के अभाव के चलते राह में आने वाली हर कठिनाई को पार कर गोलाफेक्स स्पर्धा में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर सोने का तगमा झटपा है। दीपेंद्र ने 20.63 मीटर के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 20.96 मीटर गोला फेंक कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा दीपेंद्र डबास को पॉइंट के आधार पर राष्ट्रीय का बेस्ट एथलीट व एम महाबली एथलीट के खिताब से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित 33वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोला फेंक प्रतियोगिता में दीपेंद्र ने गोल्ड जीता है। दीपेंद्र स्कूली स्तर से अब तक 7 नेशनल गोल्ड जीत चुका है। नए रिकॉर्ड पर पूरे जिले में जश्न का माहौल है और हर कोई अपना बेटे की इस उपलब्धि पर नाज कर रहा है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद टीवी। सरकार की ओर से कैश प्राइज मिल रहा है, पर जो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल की जो फैसिलिटी है वे नहीं मिल रही। अब अधिकारियों से मांगा है, पर मतलब अब मांगता हूँ तो वो 2 साल बाद में जाके मिलता है। मैंने वेट अभी मांग रहा हूँ, वेट की मेरे पास कमी है। मुझे 500 kg और वेट चाहिए जिम के लिए, और जो मेरे को अभी 200 kg दिया गया है, अब तो मेरी पावर 350 kg की प्लस गई हुई है, तो मुझे वेट की कमी महसूस होती है। बताइए अपना नाम। अमीषा डबास, दीपेंद्र डबास की बड़ी बहन। ये सुबह से लेके शाम तक पूरा फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करता है। सुबह 3 बजे उठता है, फिर प्रैक्टिस जिम में जाता है, शाम को फिर शॉर्ट पुट ग्राउंड पे जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। घर की तरफ से पूरी सपोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी नहीं लगती, क्योंकि जब भी इसके स्कॉलरशिप अवार्ड या फिर कुछ भी मिलता है इसको, तो या तो वो हाफ ही मिलता है और या फिर उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। मतलब गुजरात के अंदर 50,000 पॉलिसी के अंदर था भाई, जो जूनियर बच्चे हैं अंडर 16, 50,000 रुपये गोल्ड के सरकार ने अपनी पॉलिसी दी है। और अगर कोई दूसरा इवेंट करता है उसी दौरान, तो उसके अगर फर्स्ट आता है तो उसके हाफ मिलते, सेकंड आता है तो उसके हाफ, तो इसके 65,000 रुपये बनते थे। अभी तक वो 65,000 रुपये इनको 30,000 रुपये जिला खेल अधिकारी ने इनके अकाउंट के अंदर डाल के और वो वंचित कर दिया।